أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى اهل بيته الاطيبين الانجبين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين. اما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا. لما صبروا وكانوا بآياتنا आयात صلوات. वक्त बहुत तंग है जो ऐलान आप हज़रा के सामने आया था उसके मुताबिक मजलिस हमारी पंद्रह मिनट के अंदर अंदर ख़त्म हो जानी चाहिए इसलिए कि साढ़े आठ बजे क्वेश्चन आंसर का सेशन था और बहरहाल वो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए इंक्लूडिंग माई सेल्फ़ कि बहरहाल एक कदर हस्ती यहाँ मौजूद हैं और जो इतने बड़े इदारे के सरपरस्त हैं जितना बड़ा इदारा पूरी पूरे आलमशत में एक इदारे की शक्ल में कहीं नहीं है 1200 सिर्फ उसके मकातिम हैं गोया के जैसे हमारे यहाँ संडे स्कूल है हमारे यहाँ एक संडे स्कूल को चलाने में स्ट्रगल हो रही है और वहाँ पे बारह बारह सौ और वो संडे स्कूल नहीं है बल्कि फ़ाइव डे स्कूल हैं फ़ाइव डे सेवन सिक्स डे सेवन डे स्कूल है और उसके अलावा ये तो एक सिर्फ शोबा है बाकी उसकी जो खदमात हैं वो आप हजरात पढ़ सकते हैं पम्फ्लैट्स मौजूद हैं यहाँ पर और शायद ही कोई दीनी खिदमत हो जो वो इदारा अंजाम ना दे रहा हो तो इतनी अजीम शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है और इन सभी हजरात और मैं ख़ुद इन फायदा उठाऊँगा और वो हमारे अपने लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा तो मैं उनका वक्त नहीं लेना चाहता लिहाजा मैं बात को इन शाह मुख्तर तौर तो पर और बहुत मख्सर गुफ्तु आपके सामने पेश करूँगा एक सलवाल पढ़ते महम्मद वाल सुरम मुबारक सजदा की आयत नंबर चौबीस चोग, इस आयत में अल्लाह सुहा ऐलान फरमाता है कि अम्बिया बनी इसराइल में से हमने कुछ को इमाम करार दिया कि वो हमारे हुक्म से हमारे इशारे से लोगों को हिदायत फ़राहम करें और इनकी दो अहम ख़ूसियतें थीं जिनकी वजह से अल्लाह ने इन्हें इमाम मंतखब किया और जिनकी वजह से इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियों को बहसन ख़ूबी अंजाम दिया लम्मा सबरु सब्र व्या आयातना यू किनून और यकीन सब्र के सिलसिले में हज़ूर का मशहूर इरशाद, सब्र मिनल ईमान का ज़सद। सब्र और ईमान में वही रिश्ता है जो इंसान के जिस्म में और सर में होता है जिस तरीके से सर के बग़ैर जिसम बेमाना होता है और कार्टून के सिवा उसकी कोई हैसियत नहीं होती इसी तरीके से सब्र के बगैर ईमान की कोई हैसियत नहीं है और दूसरी चीज़ यकीन जब यकीन होगा तो इंसान के लिए सब्र करना भी आसान हो जाएगा यकीनन इमाम हसन अस्करी अलतम उन्हीं इमामों में से हैं जिनको अल्लाह ने मुंतखब किया है और जो ईसाय करीमा के यकीनन मसदाक़ हैं और जिनकी पूरी हयात तैयबा में वो तमाम क्वालिटीज़ जो अल्लाह ने इस आयत में बयान की हैं वो सब कदम क़दम पे नज़र आएंगी सब्र भी मंजिल रूज पे दिखाई देगा यकीन भी मंजिल कमाल पे नज़र आएगा इमाम हसन अस्कर वसलाम टू हंड्रेड एंड थर्टी 232 में पैदा हुए और आपकी शहादत 260 में हुई यानी आपकी कुल ऐज 28 एट ऐज के एतबार से तो आप सेकंड नंबर पे हैं उन इमामों में कि जिनकी उम्रें सबसे मुख्तसर हैं फ़र्स्ट नंबर पर इमाम महमद तकी सला सिर्फ पच्चीस बरस लेकिन मुद्दत इमामत के एतबार से जब आप इमाम के हयात तयबा को पढ़ेंगे तो सबसे मुख्तर मुद्दत इमामत इमाम हसन अस्कर कुल छः बरस बाईस बरस के आप थे तो आपके पेदर बुजुर्गवार इस दुनिया से गुजर गए शहीद कर दिए गए इमाम आलिया नक्वी सलातम और उसके बाद से इमामत की जिम्मेदारी आपके कानों पर आई तो सिर्फ छह बरस और हालात इतने नामुसाइद थे सरकमस्टेंसेस इतने डायड थे कि हिस्ट्री के मुताबिक इन छह सालों में से भी पांच या साढ़े पांच साल इमाम के कैद खाने में गुजरे तो जो इमाम के सामने वक्त है वो बहुत मुख्तर छ महीने या एक साल और इस छह महीने या एक साल के अंदर जो ज़िम्मेदारी है वो बड़ी संगीन और उस संगीन ज़िम्मेदारी को आपको अदा करना है और खसूसियत के साथ इमाम के ऊपर दूसरे इमामों की बनिस्बत प्रेशर ज़्यादा था एक तो एक जाहिर सी बात है आप हाउस अरेस्ट रहे समर्रा में आप रहते थे अस्कर नामी महल्ला जहाँ के ऊपर जो हकीकत में गैरसन था जो आर्मी बेस था वहाँ के ऊपर इमाम अल सलात साम को रखा गया था ताकि मुकम्मल तौर पर उनको वॉच आउट किया जा सके उनकी एक एक एक्टिविटी एक पर नज़र रखी जा सके हालात इतने नासाजगार थे कि तारीख़ में मिलता है कि जब इमाम क़ैद खाने में होते थे तो कैद खाने में भी क़ैदियों की शक्ल में जासूस भेजे जाते थे तारीख में तमाम वाक़ा तफसल के साथ मौजूद हैं हालात इतने साजगार थे कि जब मिलने वाले आते थे शौकत दीदार में वो हफ्तों इधर उधर भटकते रहते थे और जब किसी दिन इमाम घर से बाहर निकल रहे होते थे तो उस वक्त भी इमाम उनके पास खत लिख के उनको पहले से वार्न कर दिया करते थे कि खबरदार तो हमको देखना मगर देखने के बाद हमको सलाम तक न करना हमारी तरफ उंगली से इशारा भी ना करना इसलिए कि तुम्हारी जान खतरे में है इमाम वही होता है जो इतनी मजलूमियत बर्दाश्त करने के बावजूद भी चाहने वालों की जान माल और चाहने वाले की प्रोटेक्शन में कहीं से किसी तरह की कोई कमी ना आने दे तो इतने नामुसाइद हालात और इन नामुसाइद हालात में जो एक्टिविटीज इमाम की जब इंसान देखता है तो अक्ल हैरान रह जाती है शेख तूसी रहमतल्ला ने सौ से ज्यादा शागिर्दों के नाम तहरीर फरमाए हैं इमाम हसन अस्करी के और तारीख़ में 150 से ज्यादा ऐसे अफराद मौजूद हैं जिन्होंने इमाम से रिवायतें नकल की हैं इमाम से हदीसें नकल की हैं और किस किस अंदाज से किस किस मौके पे इमाम ने दीन को बचाया वो सब आपके पेश नज़र है चाहे इसाकंदी का वाकया हो मैं वाकत नहीं पढ़ूंगा और चाहे उस राहिब का वाकया हो और चाहे दूसरे बहुत से वाकत हो जो तारीख़ के दामन में सब्त हैं ज़ब्त हैं तो हालात कितने ही डायर हों कितनी ही सिचुएशन पेचीदा हो डिफ़िकल्ट हो लेकिन जो इमाम होता है जो अल्लाह का बनाया हुआ हादी होता है उसकी हदायत में उसकी इमामत में कहीं से कोई कमी नहीं आती कहीं से कोई लचक नज़र नहीं आती मैं खूसियत के साथ जो मसाला आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ और हकीकत में जिसकी वजह सब से सबसे ज़्यादा इमाम के ऊपर प्रेशर था वो महदी बरहक इमाम आसर उजल्ला फरजो शरीफ की विलादत बासादत तमाम डिक्टेटर्स और ालमों को पता था कि आखिरी इमाम इमाम महदी जिनका जिनका फ़र्ज़ ये होगा और जिनका हक ये होगा यमल अदलम वक़स् कमाम व जौरा जिनका मिशन ये होगा कि वो दुनिया को इंसाफ से मालामाल करेंगे जैसे झौर से लबरेज होगी वो आपके सुलब से होंगे और आप ही के घर में पैदा होंगे इसलिए फिरओन ज़माना ने हर मुमकिन कोशिश की कि मूस वक्त का मुसे वक्त की विलादत ना होने पाए लेकिन जाहिर सी बात है अल्लाह का एलान है। नूर नूर ही। अपने नूर बरहक को मंजिल कमाल तक पहुंचाएगा चाहे काफिरों को यह बात कितनी ही नागवार क्यों ना गुजरे तो जालिमों को पता था इसलिए इमाम पर सबसे ज्यादा सख्ती थी और सबसे ज्यादा प्रेशर था और इमाम हसन अस्कृत अलीसलातलम के सामने भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत टफ थी ये मिशन बहुत इम्पोर्टेंट था कि लोगों को चाहने वालों को असर गैबत के लिए आमादा कर दें इसलिए कि इमाम के सामने हिस्ट्री थी कि हरत मूसा अलात वाम का ज़माना हो हजरत मूसा कुछ दिनों के लिए सिर्फ दस दिनों के लिए एक्स्ट्रा निगाहों से ओझल हो गए थे तो सामरी ने लोगों को गुमराह कर दिया था जब कभी भी कोई भी नबी ये खुदा ग़ैबत में गया तो उसके बाद उम्मत का सत्यानाश हो गया तो ये ख़तरा इमाम के निगाहों के सामने था लिहाजा इस खतरे से चाहने वालों को बचाने के लिए इमाम ने फुली प्रिपरेशन करना शुरू किया और उसमें इमाम अली ने जो काम किया एक फ़िज़िकली वो ये था कि लोगों ने आपसे मिलना जुलना एक तो एक पाबंदियाँ भी थी और जो पाबंदियों के बावजूद भी इमाम से मिल सकते थे इमाम उनसे आसानी के साथ मिलते नहीं थे अगर कोई आपके घर आता भी था मिलने के लिए तो जो तारीख़ में मिलता है वो इमाम पुशत पर्दा से यानी गैबत में रह के उससे कम्युनिकेट करते थे ताकि लोगों को गैबत की आदत पड़ जाए और गैबत से हैरतजदा होकर वो गुमराह न हो जाए और दूसरा जो इमाम ने इंतज़ाम फरमाया वो खसूसियत के साथ आपने वकालत का सिस्टम डेप्यूटी सिस्टम और पूरे दुनिया इस्लाम में जो उस वक्त मुख्तलफ कंटिनेंट में शयत उस वक्त फैली हुई थी इराक इराक़ और अरेबिया से लेकर अफ्रीका और अफ्रीका से लेकर फिर इधर आप आइए तो जो उस वक्त बाइजेंटेन जो एम्पायर इम, मानी जाती थी जिसको आज के दौर में ईस्टर्न रोम कहा जाता है ईस्टर्न यूरोप कहा जाता है वहाँ जहाँ जहाँ शिया फैले हुए थे आज़रबाईजान वगैरह हर जगह इमाम अल सलाम ने अपना नेटवर्क वकालत का फैलाया कि लोग बराहे रास्त हमसे कम्युनिकेट करने के बजाय वकीलों से कम्युनिकेट करें जो नेक और मुतकी और परहेजगार लोग होते थे ताकि लोगों की आदत पड़ जाए हमारे मजहब के और हमारे मिशन के केमा को फॉलो करने की और खसूसियत के साथ इमाम हसन अस्कराम का ये इरशाद भी किताबों में महफूज है नमीन फ़ाम मा मनका निन हाफनदीन मुखालफ सायिनफ़ मक्तीमर मऊला फ़लवादू इमाम ने कुछ क्वालिटीज़ बयान फ़रमाई के केमा में से जिन जिना के अंदर ये क्वालिटीज़ पाई जाएँ जो इलाही के मालिक हों और जो अपने दीन को अच्छी तरह से समझते हों हालत हाज़रा से वाकिफ़ हों सान नफ़्स हाफिज़न दीन मुखालिफ़न ले हवा और जो अपनी ख्वाहा नफ्स के मुखालिफ़ हों तो मोमिनीन के ऊपर फ़र्ज़ है कि उनकी तकलीद करें ये इमाम इंस्ट्रक्शन दे के गए हमको ताकि हम असर गैबत के फितनों से अपने आप को बचा सकें और रेजान मोहतरम अगर आप अपनी निगाहें उठा के देखें तो हर तरफ फितनों के अजदह मुंह खोले हुए खड़े हैं और हर उस इंसान को निगल लेने के लिए तैयार हैं जो जरा सी देर के लिए भी इमाम के इस इर्सा से भटक जाए या भटकने की कोशिश करे आप देखें आज के ज़माने में सिर्फ वही हजरात सिर्फ वही अफराद ईमान के रास्ते पर और मार्फत अहलबैत के रास्ते पर हिदायत के रास्ते पर तकबा और तहारत के रास्ते पर सरात मस्तकीम पर कायम हैं और कायम रहेंगे और कायम रह सकेंगे जो इमाम के इस इर्शाद के मुताबिक उनके बनाए हुए असूल उस व मुताबिक जो खदमत दीन अंजाम दे रहे हैं उनके दामन से वाबस्ता होंगे और जिसने इमाम के इस इंस्ट्रक्शन को वायोलेट किया वो जदहों के मुंह का शिकार बन गया और उसके अलावा ये एक बहुत खूबसूरत हकीकत में वसीयत है इमाम हसन अस्कर सलाम की और चूंकि और चूंकि ये हमारे ग्यारहवें इमाम थे इनकी जो वसीयत है वो नहायत इम्पोर्टेंट है मैं इसको पेश करना चाहता था लिहाजा ये हकीकत में आखिरी वसीयत है जो हमारे सामने मौजूद है सिलसिले इसमत की यूं तो तौयात इमाम अशर फर्ज़ो शरीफ़ से शादिर हुई हैं लेकिन ये आखिरी वसीयत है जो हमारे सामने मौजूद है सिलसिलेमत की इसलिए इस वसीयत का पढ़ना और इस वसीयत से खुद को फेमुलर करना हर शिया का और हर मुहब अहबै का फ़र्ज़ है और इमाम ने इसमें बाकायदा तौर पर गारंटी दी है कि अगर तुम इस वसीयत पर अमल करोगे यू आर प्रोस्परस यू आ सक्सेसफुल नथिंग इज़ थ्रेटनिंग यू नथिंग इज़ इंटीमिडेटिंग यू लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं लगा हम इसको आ, नहीं पढ़ सकते आपके सामने अ... आम्म। आम्मु. चल मैं जल्दी इनशा इसको पढ़ देता हूँ आपके सामने ये बहुत मतवर किताब मौजूद है अलकाफ़ी से मैं नक़ल कर रहा हूँ आपके सामने और अकूल और भी दूसरी किताबों मौजूद है इमाम फरमाते हैं उसी कुम ऊसी कुम्लावरा फीदीन कुम मेरे चाहने वालों देखो ये मेरी आखिरी वसीयत है और जो कुछ मैं इसमें कह रहा हूं इसको अच्छी तरह से महफूज रखना में आपने आखिर में कहा उसी कुम्ब तक वलवरा फिदी ने कुम मैं तुम सबको वसीयत करता हूं तकवा परार की मुकम्मल तौर पर अपनी ड्यूटीज को अल्लाह सुबहान हवाले से अंजाम दो पाबंदी के साथ इसी का नाम सच्चा तकवा है वलवरा फी दीन कुम और दीन को प्रायोरिटी दो दीन को अहमियत दो दीन के मामले में विजिलेंट रहो अलर्ट रहो वल लिल्लाह और अल्लाह की राह में मुसलसल कोशिशें करते रहो एफर्ट्स करते रहो व सिद्किल हदीस और हमेशा सच बोलो सच बोलो हमेशा कभी झूठ ना बोलो हुजूर की खिदमत में एक शख्स और आने के बाद कहता है अल्लाह के रसूल यकून जबाना क्या कोई मोमिन बुजदिल हो सकता है ने फरमाया नाम हो सकता है क्या यकून मिनो ब क्या कोई मोमिन बकील हो सकता है कहा हो सकता है और एक दूसरी जवाब के मुताबिक सवाल करने वाले ने सवाल किया क्या कोई मोमिन नौजुबिल्ला जेना कर सकता है हुजूर ने फरमाया कि हाँ ऐसा भी हो सकता है फिर जब सवाल करने वाले ने पूछा यकून मिनो कब्वाबा क्या मोमिन झूठा हो सकता है हजूर ने फरमाया हरगज़ नहीं और आपने कुरान की शायद की तलावत फरमाई इन नमा यबीन आयात मोमिन लायिनब आया तिल्ला जो अल्लाह की निशानियों पर ईमान नहीं रखता वही झूठ बोल सकता है और वही झूठी बातें इधर उधर फैला सकता है तो मोमिन कभी झूठा नहीं हो सकता सब कुछ हो सकता है मोमिन झूठा नहीं हो सकता तो इमाम ने इसको खास तौर से यहां पर रखा व सिद्किल हदीस व अदा लमाना अजा ने मोहतरम अगर हम इसी एक पॉइंट को अपनी आज की इस मजलिस से ले लेंगे कि कभी भी हम झूठ नहीं बोलेंगे अलख मफ्ता शर हर बुराई की जड़ झूठ है हर बुराई की जड़ झूठ है बच्चे जो तरह तरह की गुमराहियों का शिकार होते हैं अगर हम उनको शुरू से ट्रेन करें कि वो कभी झूठ ना बोलें तो चूंकि उनको पता है कि झूठ की शील्ड मौजूद है अपनी बुराइयों पर पर्दा डालने के लिए लिहाजा वो गुनाह करते हैं वरना अगर इंसान को पता हो कि वो झूठ नहीं बोलने वाला है तो वो गुनाह नहीं कर सकता हकीकत में अब इसको ओपन करने का वक्त नहीं है आपके सामने वह अदा और हमेशा अमानत अदा करते रहो इलाम तमन बिर और फाजिर अगेन यहाँ पे हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़ा सोशल मसला है वो है एक अमानत में खयानत होती है अमानत में अलमजा अमाना, अमानत में खयानत का मतलब ये नहीं कि कोई आपके पास पैसा रखे तो वही अमानत है नहीं अगर यहाँ पे दस लोग बैठे हुए हैं बातें कर रहे हैं कोई मीटिंग हो रही कोई गैदरिंग हो रही है सूरत हाल क्या है कि मीटिंग हो रही होती है सीक्रेट मीटिंग के नाम पे मीटिंग हो रही होती है प्राइवेट मीटिंग हो रही होती है लेकिन एन उसी मीटिंग के वक्त टेक्सटिंग हो रही होती है पूरी दुनिया को बताया जा रहा होता है कि क्या हो रहा है मीटिंग में तो यह खयानत है दो लोगों के दरमियान कोई बातचीत हुई है वो अमानत है अगर उसको एक दूसरे तक मुंतकिल किया गया तो वो खयानत है आमतौर से ये होता है कि दो मुमरिंग के दरमियान आपस में इधर उधर की कुछ बात हो गई फिर उसके बाद में जब उसको नकल किया जाता है तो बढ़ा चढ़ा के और उसमें अपनी तरफ से मिर्च मसाला लगा के इसका नाम भी खयानत है और तमाम झगड़े हकीकत में इसी वजह से पैदा होते हैं हुजूर का इर्शाद ग्ररामी है कि ख़ैयामत के दिन बहुत से लोग अपने नाम आमाल में मर्डर देखेंगे वो खुदा की बारगाह में अर्ज़ करेंगे परवरदिगार मैंने गुनाह तो बहुत किए मैं तमाम गुनाहों को एक्सेप्ट करता हूं मुझसे नमाजें भी कजा हुई मुझसे रोजे भी छूटे मैंने यह किया वो किया तमाम गुनाह लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया तो आवाज़ कुदरत आएगी कि याद करो कि फ़ला मौके पे फ़ला दिन तुमने फला बात कही थी जिसकी वजह से एक फितना बरपा हुआ था और उस फितने के नतीजे में एक कत्ल हुआ था और उस कत्ल के जिम्मेदार यकीन तुम और हमारा वतूल इस लंबे सजदे एटलीस्ट ट्वेंटी फोर आवर्स में एक तवील सजदा होना चाहिए इसलिए कि इमाम हसनकरलातम की वसीयत है और इस वसीयत पर अमल करना हर मोमिन का फ़र्ज़ है वह हसन ज़वार और पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करो ये ना देखो कि कौन है मुस्लिम है नन मुस्लिम है सब के साथ अच्छा बर्ताव करो फ़बहहादा जा महम्मद सल्ला व अगर तुम जानना चाहते हो कि दीन क्या है तो दीन यही सब बातें हैं जिनको हम सिंपल सिंपल बातें हैं इमाम कहते हैं कि इसी का नाम दीन है बहुत बड़े फलसफिया मसाइल और इरफानी बहसें और इधर उधर लंबी चौड़ी असलात उसका नाम दीन नहीं है वो सब खुराफा है वो सब लोगों को धोखा देने की कोशिशें दीन यही है इमाम फरमाते हैं फबादा जा मोहम्मद सल्ला और उसके बाद फिर इमाम फरमाते हैं सलूफी आशा जो सुन्नी भाई हैं सुनत जमात उनकी मस्जिदों में जाके नमाज़ पढ़ो इमाम हुक्म देते हैं यानी उनके साथ मिंगल अप हो उनके साथ मिक्सअप हो ताकि गलत फहमियाँ दूर हों जब हम मिक्सअप होते हैं करीब होते हैं तो गलत फहमियाँ खत्म होती हैं जब तक दूर दूर होते हैं गलत फहमियाँ बढ़ती रहती हैं दुश्मन दुश्मनान इस्लाम की साजिश यही है कि शिया और अहले सुन्नतुल जमात को इतना दूर कर दिया जाए कि दोनों एक दूसरे से मिल भी ना सकें एक दूसरे को देख भी ना सकें और अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने हमारे अपने खुतबा उस साजिश का हिस्सा बन रहे हैं इंटेंशनली या अन इंटेंशनली तो ये एक इमाम का इरशाद वना जनाइज़हुम और अगर उनके यहां कोई मैयत हो जाए तो उस मैयत में शिरकत करो वऊद उमर वाह और अगर उनके यहाँ कोई मरीज हो जाए तो उस मरीज़ की आदत के ले जाओ जितने तरीके हो सकते हैं मिक्सअप होने के मिंगलअप होने के सब इमाम सलाम ने बयान किया वुक़ कहम उनके हकूक़ को खसूसियत के साथ अदा करो फिन रजौलाम को देखे तामनेक्त गुंजाइश नहीं ना हकीकत में इस वसीयत का एक एक जुमला एक एक तकररीर एक एक तकरीर एक एक जुमले पे होनी चाहिए फ़ैन रज उलमिन कुमा वराफ़ीदी नहीं वद कफ़ी हदीसे ही वद्दल अमाना व हसुना खुल्को मन्नास इसलिए कि तुम में से अगर कोई शख्स अपने दीन में विजिलेंट होता है अलर्ट होता है अपनी बातों में सच्चा होता है अमानत की अदायगी करता है उसका अखलाक बुलंद होता है की लहा शि और कहा जाता है कि ये शीआ है कहा जाता है कि यह शिया है फसर लिखा इमाम फरमाते हैं अगर मुझे खुश करना चाहते हो तो यह है मुझे खुश करने का रास्ता जाँ जाँ और फरमा फैसुरुदा लिखा इतक वीना तक अख्तियार करो हमारे लिए बायस जीनत बनो वला तकन शैना हमारे लिए बायसे जिल्लत न बनो इलैना कुल्ल मवद्द जितनी अच्छाइयां अंजाम दे सकते हो अंजाम दो इसलिए कि तुम्हारी अच्छाइयां विल बी काउंटेड फॉर अस यू विल अट्रैक्ट थ्रू योर गुडनेस टूवर्ड्स अस चुर्रू इलेना कुल्ल मद्दा वाओ वद्दा। अन्ना खुल्ला कबीह और हमसे हर तरह के कबीह को हर तरह की बुराई को दूर करो क्या इनके यहां बुराई है नउज़िला यह तो आए तथी इन नमा यद यानी अपने किरदार से ऐसा बर्ताव सरजद न करो ऐसा रवैया दुनिया के सामने पेश ना करो इसलिए कि जो तुम्हारे किरदार के फ्लोज होंगे जो तुम्हारे किरदार की शॉर्ट कमिंग्स होंगी दे वुल बी काउंटेड इन आवर अकाउंट ये इमाम का अर्शाद वी फ्न माकी

एक मरतबा दुरूद भेजना दस नेकियों के बराबर है एहफदू मा वसई तो कुंभ ही जो कुछ मैंने वसीयत की इन सब को प्रिजर्व कर लो अपने जहनों में महफूज रखो अपना लाह अमल बना लो अपनी मिशाल राह बना लो और इसी के मुताबिक जिंदगी गुजारो व आता उदयो कमल्ला व अखर वाल मैं तुम सबको अल्लाह के हवाले करता हूँ और तुम सब पर दुरुदो सलाम भेजता हूँ इमाम के सलाम का जवाब देने के लिए एक मरतबा सब लोग ब आवाज़ बोलन सलावात पढ़ें इमाम हसन अस्कर मै ज़्यादा महत्व इस बिल्कुल दाम ग लिहाजा मैं यहाँ पर रुकता हूँ और मैं कुछ जुमले मसाहब के इमाम हसन अस्कर सलातम के हवाले से और फिर उसके बाद में आज जिस वाक़े की याद मनाने के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं उस मुनासिबत से भी इमाम हसन असकर सलाम जाहिर है खता का लग्दिश का नक्स वैब का कहीं से कोई तस्वुर नहीं आए तिर गवाह मगर जालिमों को वो ज़िंदगी भी गवारा न हुई इसलिए कि ज़िंदगी पुरसकून थी मगर इनकलाबी थी ज़िंदगी पुरसकून थी मगर एक एक लम्हा के ख़िलाफ़ सदाएत था आखिरकार आख़िरकारतमद अब्बासी मलून ने खाने में जहर मिलाकर इमाम को वो खाना नोश फरमाने पर मजबूर किया इमाम अलाम ने वो खाना नोश फरमाया जहर का असर शुरू हुआ और आखिरकार वो वक्त भी आया कि इमाम अली मुक़ाम इस दुनिया से जा रहे थे तारीख़ी बताती है कि जिस वक्त इमाम इस दुनिया से जा रहे थे आप पर प्यास का गलबा था और हमारे ग्यारहवें इमाम ने पानी तलब किया एक चाहने वाले ने आब मस्तगी पेश किया इमाम ने कहा कि इसे रखो दूसरा पानी दो दू। दूसरा पानी लाया गया इमाम ने उस पानी से वज़ू किया वज़ू करने के बाद अल्लाह की याद में मशगूल हो गए थोड़ी देर के बाद फिर प्यास का गलबा हुआ फिर इमाम ने पानी तलब किया अब जो पानी लाया गया तो इमाम ने कहा कि अब आब मस्तगी ले आओ आब मस्तगी लाया गया इमाम अल सलाम ने उसे अपने हाथ में लिया मगर तारीख़ ये बताती है जहर की शिद्दत की वजह से पूरे बदन में ऐसा राशा था कि इमाम पानी पीना चाहते थे मगर पानी पी न सके अरबाब अजा ये एक दाग और इमाम जमाना के दिल पे छोड़ गए इमाम हसन अस्करी। जद्द बुजुर्गवार मजलूम करबला वो भी करबला में प्यासे जबा हुए तड़प तड़प के कहते रहे इसके शरबत मिनल मा ए घूट पानी पिला दे मगर जालिम कहता रहा हुसैन पूरी दुनिया पानी पानी हो जाए जब भी ये कतरे आप ना मिलेगा और बाबा भी इस दुनिया से प्यासे शहीद हुए जजाकुम रब्बुम खैर जजा अरबाब अजा ये वो मजलूमियत थी ये वो मुसीबत थी इमाम ज़माना अजल अल्लाह ताला शरीफ़ के लिए तारीख में मिलता है कि इमाम ने आपको अपने हाथों से गसल दिया कफ़न पहनाया और उसके बाद आपने खुद नमाज जनाजा भी पढ़ाई और जनाजा बहुत शान शौकत के साथ उठा जो तारीख में मिलता है वो यही है कि सबसे ज़्यादा शान शौकत के साथ जो जनाजा उठा था वो इमाम हसन अस्करी सलातु सलाम का था लेकिन अरबाब अजा अट्ठाईस बरस का एक जवान इंसान इस जवानी में इस दुनिया से गुजर गया और वो भी वो मजलूमाना जिंदगी कि पूरी जिंदगी हकीक़त में हाउस अरेस्ट और पूरी जिंदगी में जो छः साल इमामत के उसमें भी साढ़े पाँच साल क़दे कशी बस अरबा अजह क़ब्र रसूल यकीनन लर्ज़ा बरंदाम हुई होगी जब इमाम हसन अस्करी अलतम इस दुनिया से शहीद हुए होंगे और आज जिस तारीख़ जिस वाक़े का गम मनाने के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं ये भी वो मौका है कि जब क़ब्र रसूल लर्जा बरंदाम हुई अरबा अजह ज़रा तस्वर कीजिए वो मंज़र कितना दर्दनाक रहा होगा कि जब जब अहल बैत का लुटा हुआ काफिला मदीने की तरफ बढ़ रहा था और हजरत उम्म कुलसूम ने मदीने के दर दीवार को देखने के बाद मरसिया पढ़ना शुरू किया था और बा अजा आप तस्वर कीजिए उस मरसिए के जुमलों को आज أَيُّهَا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُ مَا تَمِحُّ